जैसे कि रुक्सा आपने बताया सन 1970 में दादी जी आपको माउंट आबू ले गए। माउंट आबू आए अच्छा, फिर उसके और बाद माउंट आबू आए तो माउंट आबू मुझे इतना अच्छा लगा। उन दिनों में कुमारों का भट्टी चल रहा था, जैसे आप लोग शिविर में आए हैं तो उन दिनों में भट्टी चल रहा था, स्पेशल तपस्या का ठीक है ये था। तो दादी दादी प्रकाशमणि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, दादी तो, प्रकाशमणि जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप आए हैं अच्छे टाइम पर, तो आप भी भट्टी में बैठिए। तो हम भट्टी में बैठे, भट्टी के टीचर हमारी थी चंद्रमणि दादी, जो पंजाब जोन के इंचार्ज। अच्छा, चंद्रमणि दादी, चंद्रमणि दादी अमृतसर में रहती थी, और जानकी दादी। अच्छा, जानकी दादी, हाँ, ये हमारे भट्टी के टीचर थे। तो दादी ने इतना अच्छा क्लास कराया, तो क्लास के बाद तुरंत मैं फादर को लेटर, उन दिनों तो मोबाइल का जमाना नहीं था, सत्तर की बात कर रहा हूँ, तो फादर को, वो फादर कलकत्ता में रहते हैं, रहते थे, तो उनको पत्र लिख दिया कि भाई आप ये समझ करके नहीं हमको डॉक्टरी पढ़ाना कि हम डॉक्टर बन करके और आपकी सेवा करेंगे, पैसा कमाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, ऐसा नहीं। आप डॉक्टरी पढ़ाएंगे तो हम समाज की सेवा करेंगे, नहीं तो मेरा उद्देश्य है मुझे समाज की सेवा करना, चाहे आप डॉक्टरी पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन मुझे समाज की सेवा करना है, परिवार गृहस्थ की सेवा नहीं करनी है। ये आपने खत में लिख के, खत में लिख के भेज दिया। उन्होंने जवाब दिया कि देखो मेरा धर्म है पढ़ाना, ठीक है, आपको पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद आप अपना सोचिएगा कि मुझे क्या करना है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो उन्होंने पढ़ा दिया, और पढ़ाने के बाद जब ये हुआ तो हम बोला कि मैं आश्रम में रहूंगा। उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी, आपकी जहां खुशी है वहां रहिए। तो इसका मैं, मतलब आपके पिताजी भी काफी उच्च विचारों के थे कि उन्होंने कोई वो तर्क वितर्क नहीं किया, तर्क वितर्क थोड़ी हुई, थोड़ा बहुत हुआ, वो तो हुआ, लेकिन उन्होंने खुशी से छुट्टी दिया। ठीक है, तो हम 72 से यहाँ आ गए। 72 में मेरी में पढ़ाई पूरी हुई, रिजल्ट भी बल्कि हमको यहाँ ही आकर के मिला, एग्जाम देकर के हम यहाँ आ गए। मेडिकल में क्या, होम्योपैथी से? अच्छा, होम्योपैथी से। होम्योपैथी से ग्रेजुएशन किया, 4 साल का कोर्स किया, ओके, और यहाँ आ गए। यहाँ आकर के हर प्रकार की सेवा, जैसे परिवार में होते हैं तो परिवार में हर प्रकार की सेवा करनी होती है, तो आश्रम हमारा परिवार था, तो हर प्रकार की सेवा। तो मैं 15 दिन रहा, मेरे ऊपर इतना छाप पड़ गया कि मेरे को जी नहीं करे कि मैं मुजफ्फरपुर जाऊं, आगे पढ़ाई पढ़ूं, लेकिन दादी ने कहा कि ऐसा नहीं करते हैं, आप जाइए पढ़ाई पढ़िए, परिवार से माँ बाप से छुट्टी लेकर के आइएगा। तो फिर जाना पड़ा, दादी की आज्ञा है, तो गए, लेकिन मन से नहीं गए। मन हमारा माउंट में है, बाबा के पास है। बहुत कष्ट हो, जैसे मन को हो रहा था, आंखें गीली हो रही थी, लेकिन गए। जैसे कभी छोटे बच्चे छुट्टियों में नानी जी के घर जाते हैं, फिर वो वापिस आते हैं, तो उनकी आंखें गीली होती हैं। तो उससे समझ लीजिए, मैं फिर गया, पढ़ाई पढ़ा और एग्जाम दे करके आ गया। फादर ने कुछ बोला नहीं और यहाँ रहने लगा। आगे की पढ़ाई आपने मुजफ्फरपुर से ही करी? मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर से ही किया। आगे फिर आपने क्या, मास्टर्स? नहीं, मतलब DHMS पास करके मैं यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ आया तो छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स था। ठीक है, तो क्योंकि हमारा विश्व रतन दादा, विश्व किशोर दादा, उनको होम्योपैथी में बहुत शौक था, तो अपने एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स रखते थे, किसी को कुछ होता था तो थोड़ा दे देते थे। वो डॉक्टर नहीं थे लेकिन उनको शौक था, किताब वगैरह पढ़ करके रखते थे। तो वो उनके जाने के बाद वो फर्स्ट एड बॉक्स मुझे दिया गया, तो हम फर्स्ट एड बॉक्स दवाई भी देते थे। अब उन दिनों में थोड़ा संस्था बेगरी पार्ट था, तो थोड़ा ऊपर आए थे, लेकिन उन दिनों में आश्रम में कोई कुर्सी नहीं था। अब आप सोच सकते हैं, सच्चे बोल रहा हूँ, उन दिनों में कुर्सी नहीं था। कुर्सी निर्भय भाई का ऑफिस में था, यीशु दादी का ऑफिस में था, और एक्स्ट्रा कुर्सी बाहर कहीं नहीं हो,
तो ऐसा नहीं था। तो एक हमारा दादा आनंद किशोर होते थे, शुरू से यज्ञ की स्थापना से दादा, लेकिन दादा बहुत पढ़े लिखे उन दिनों में बीए थे, उनका बीए थे, उनका मतलब कि अंग्रेजों के जमाने, अंग्रेजों के जमाने में, और उस सिंध से वो बीए किए थे, तो उनको इंग्लिश और बहुत अच्छी आती थी, लेकिन जॉली थे, ऐसा नहीं कि बड़े हैं तो छोटों से नहीं मिलना है, नहीं वो बहुत हम लोगों से बहुत, जैसे घर में परिवार में दादा दादी पोतरों से कैसे खेलते हैं, मिलते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, और बच्चों को भी फर्क नहीं पड़ता है कि दादा हैं या पिताजी हैं, कोई फर्क नहीं, मिलनसार थे सब, मिलनसार सारे रिश्तों के साथ। तो हम लोग म्यूजियम जाते थे, माउंट आबू में हमारा म्यूजियम है, तो वहां जाते थे दादा के साथ, तो पार्टी समझाते थे, आते थे, तो दादा ने प्रेरणा दिया कि आप होम्योपैथी डॉक्टर हो तो थोड़ा होम्योपैथी का भी अभ्यास करो, पढ़ कर आए हो तो उसका अभ्यास करना, अभ्यास करना जरूरी है। तो हमने बोला कि दादा हम कहाँ करें, क्या करें, तो दादा ने कहा कि हम अपने वो रूम से इतना छोटा सा टेबल चढ़ करके अलमारी से कुछ सामान निकालते हैं, वो टेबल ला करके दिया और ऐसे बैठ करके अपने इस पर पांव पर रख करके फर्स्ट एड बॉक्स लोगों को दवाई देता था, लेकिन दवा देता था, मुझे नशा था कि हम भगवान के बच्चे हैं, साधु संत भगवान को नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर अपना जीवन उन्होंने कुर्बान किया है, और वो लोग भभूत उठा करके देते हैं तो लोगों को फायदा हो जाता है, विश्वास विश्वास, तो हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम कुछ भी देंगे तो लोगों को ठीक होगा, और सचमुच लोगों को ठीक होता था, लगन थी, विश्वास लगन था, और सेवा भाव था, सेवा भाव था, लगन था, उमंग था, नहीं मुझे कुछ करना है। तो उन दिनों में बाबा अव्यक्त बाप दादा आते थे, तो हमारी टीचर्स बहने पार्टी लेके आती थी, तो बाबा से मिलाती थी, बाबा पार्टी को मिल करके टोली खिला करके पार्टी को विदा कर देते थे, तो टीचर्स बहने बाबा के आगे आती थी, तो सेंटर का समाचार सुनाती थी, फिर बाबा सुन लेते थे, फिर पूछते थे और कुछ सुनाना है, तो बाबा मेरे को घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, तो बाबा बोलते थे कि तुम यहाँ से होम्योपैथी दवा लो, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। वो बहन सुबह रात को बाबा से बात किया है, सुबह मेरे पास आती है कि बाबा ने भेजा है मुझे होम्योपैथी दवा आप दीजिए, तो मैं ये सुन करके मेरे को और नशा चढ़ जाता था कि भगवान स्वयं भगवान हमारे पास भेजते हैं, इसका मतलब कि भगवान को हमारे प्रति ये है तो ही भेजते हैं, तो बाबा ने भेजा है, तो हम और बाबा को याद करके दवा देते थे तो सब ठीक हो जाते थे, बहुत अच्छा मतलब कि एक ये हो गया था। उन दिनों में माउंट आबू में कोई होम्योपैथी डॉक्टर नहीं था, एलोपैथी एक हॉस्पिटल था, एलोपैथी डॉक्टर थे, होम्योपैथी कोई नहीं था, और आयुर्वेद का, आयुर्वेद का हॉस्पिटल था, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे शहर में, तो सीआरपी आर्मी ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये लोग होम्योपैथी प्रेफर करते हैं, तो वो लोग आकर के होम्योपैथी दवा ले जाते थे आश्रम से, तो उनको फायदा होता था। तो एक दिन सुबह सुबह का टाइम, सर्दी का दिन था, 8-10 सीआरपी के जवान ऑफिस में आए थे, तो ऑफिस से ही उठ के आ गए दवा लेने के लिए, दीदी दादी आंगन में धूप में बैठी थी, तो दीदी पूछती है, दादी क्या हो गया कि सुबह सुबह इतने पुलिस घर में आ गई, एक ऐसे अजीब आपस में बात कर रहे हैं। तो दादी ने कहा कि दीदी बनारसी होम्योपैथी डॉक्टर है, अच्छा दवाई देता है, शहर में कोई होम्योपैथी डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए ये लोग आते हैं होम्योपैथी दवा लेने के लिए, कुछ और हुआ नहीं, और कुछ हुआ नहीं है। दीदी मेरे को बुला कर कहती है कि तुम सब काम छोड़ करके होम्योपैथी दवाई अच्छी तरह से लोगों को दो, अच्छी तरह से। तो मेरे को पहले किचन में काम करते थे, खाना बनाते अच्छा, थे अच्छा, तो वो सब दादी जी ने खाना बनाना सिखाया, फिर खाने बनाते थे, तो मतलब सब प्रकार के सेवा किया होगा। तो दीदी ने मना किया तो हम वही सेवा करते थे, और वीआईपी बाहर की सेवा करते थे। उन दिनों में कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, साइकिल एक पुरानी कोई दे के गया था, तो दादी ने मेरे को दिया,
कि आप जाते हो बाहर तो साइकिल लेकर के जाओ, तो पहाड़ों में साइकिल जाते थे और सेवा करके, सर्किट हाउस सामने था तो वहाँ जजेज आते थे, मिनिस्टर आते थे, वीआईपी आते थे सर्किट हाउस में, तो उनको जाकर के ज्ञान सुनाना और उनको कहते थे जी दादी जी से आपको मिला सकते हैं, आप आएंगे तो हमारा हेडक्वार्टर सर्किट हाउस का एकदम बाजू में था, तो वो लोग खुश हो जाते थे दादी जी मिल सकते हैं, हाँ मिलाऊंगा, तो वो आ जाते थे। तो इस तरह के सेवा चलते थे, पर धीरे धीरे ये सेवा का विस्तार हो गया। तब से 84-83 से मेडिकल विंग की स्थापना किया, 84 से, हाँ 84 से, और तब से मेडिकल विंग की सेवा शुरू किया। तो मेरे को दादी ने बोला कि नहीं ये बड़ी सेवा है तो किचन का भी काम छोड़ दो, नहीं तो मैं किचन में काम करता था, छोटा किचन, एक भाई पेशेंट का खाना बनाता था वो चला गया, तो दादी ने कहा कि आप छोटे किचन में काम करो, पेशेंट का खाना बनाओ, कुछ वीआईपी आते हैं तो उनका भी खाना बना दो। तो हम वो करता था, अभी राजमा चढ़ा दिया है कुकर में, अब वो सीटी बज रहा है, मैं गिनती कर रहा हूँ, लोगों को दवा दे रहा हूँ, जो पांच सात सीटी हो गया तो पेशेंट को बोलता हाँ, था दो मिनट बैठो मैं आता हूँ, ऐसे उनको नहीं बोलता था मैं कुकर उतार के आता हूँ। तो जा करके कुकर उतार करके आ गया और उनको दवाई वाई दे करके फिर मैं जाता फिर से था, अपना खाना वाना बना करके पूरी सहजता से आपने सभी कामों को सब काम किया। हम लोग शाम को टाइम में काम नहीं होता था तो पहाड़ पर, नक्की लेक के बाजू में पहाड़ है जिसको बाबा का पहाड़ी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, तो वहाँ पहाड़ी पर योग कर रहे थे हम सब मधुबन निवासी भाई भाई। तो योग के बाद सबको एक ही संकल्प आया कि ये गुफाओं में जो सन्यासी रहते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। संकल्प तो सबका आया लेकिन कोई हाथ नहीं उठाया कि हम सेवा करेंगे, तो मैंने हाथ उठाया, मैं नया था तो सब चौंक गए कि नया है तो वो कैसे सेवा करेगा। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे करेंगे, हम बोले कि हमारे को हमारे घर के बाजू में ही कबीर पंथ मठ था, तो हम संतों के पास आना जाना मेरा रहता था और गांव में जो भी सन्यासी आते थे उनकी सेवा करते थे तो मुझे अनुभव है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कल से करो, तो हम दोपहर तक सुबह 9 बजे से 10-11 बजे तक दवाई देते थे, 11-12-1 बजे तक खाना बनाते थे, खाना बना करके खाना खा करके और जंगलों में जा करके संतों की सेवा करते थे। अब वो संत तो नाराज थे ब्रह्मा कुमारी से, अच्छा, क्योंकि हाँ क्योंकि उनके पास कोई जाता नहीं था, ब्रह्मा कुमारी के पास सब आते थे, तो वो सोचते थे क्या है, वो डर से वो आते नहीं थे, अलग अलग भ्रांतियां थी, अलग अलग अभी भी है, हाँ, अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में। तो अभी बहनों की संस्था है तो उल्टा सुल्टा बातें करते थे, बहुत नेगेटिव बातें करते थे, तो चुप शांति से सुनता था, बस अब सेवा के भाव सुनता था। जब लास्ट में बोल के थक जाते थे तो अब हम कहते कि स्वामी जी ये जो बातें आपने मेरे को सुनाई क्या आपने देखा है, ये जो बातें सुनाई देखा है, आश्रम में आए हैं तो नहीं, मार खाने के लिए मैं आऊंगा, मुझे कौन मारता है वहां, तो नहीं मुझे पता है महात्माओं को आप लोग मारते हो, हम ये एक प्रूफ तो दिखाओ, कोई मारा हो तो आप कोई आबू के महात्मा को बुला के खड़ा करो कि हाँ हम गए थे देखने के लिए, मुझे पकड़ के मारा इन्होंने, तो चुप हो गया। देखिए आप स्वामी है, संत है, महात्मा है और लोगों के सुनी सुनाई बातों पर आप इस तरह के बुद्धि में आप भर लिए हैं अपने मन में, ये तो अच्छा नहीं है, अच्छी बात है, तो आप चलिए आप देखिए, तो आपके साथ चल सकते हैं, बाकी रहस्य मैं नहीं आऊंगा क्योंकि आप लोग मारते हो, ये काम तो नहीं करते ना, हम आपको बुलाते हैं, भगवान का काम करते हैं और यही काम हम करेंगे जो दुनिया में होता है, ऐसा काम हम नहीं करते, नहीं करेंगे। तो वो लोग कहते थे कि हाँ ठीक है आप बुलाओगे तो चलेंगे आपके साथ चलेंगे, अकेले नहीं जाएंगे। एक दिन की बात है कि हम इनकी सेवा करके और आ रहे थे, क्योंकि शाम को मुझे खाना बनाना था, म्यूजियम जाना था, रात को डिस्पेंसरी में बैठते थे
अपने आप को पूरा बिजी रखते, पूरा बिजी यानी तो बिजी शेड्यूल था। हम आ रहे थे 2:30 बजे होगा, तो दीदी दादी ईशु दादी ये भोजन करके 10 कदम पैदल करते हैं आश्रम से निकल करके, आगे 100 कदम प्लेन रोड था वहां तक तो जाते थे, फिर ढाल शुरू हो जाता था तो लौट के आ जाते, वापस आ जाते। तो हम आ रहे थे, ये लोग खाना खा के जा रहे थे, खाना और एकदम आमने सामने ये हो गए। तो हम बोला कि यार आज तो गड़बड़ हो गया, सामने अभी हम कहीं चूक नहीं सकते कुछ। हम बोला कि ठीक है होगा होगा। तो दीदी पूछी कहाँ से आ रहा है, हम बोला कि महात्माओं की सेवा करके आ रहे हैं। किसने बोला ड्यूटी किसने दिया सेवा करने का, दीदी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो उनको उन लोगों को हमने बताया नहीं था, ये भाइयों ने कहा उनके हम चल दिया। अब इतनी मर्यादा मुझे भी नहीं थी कि हर बात बड़ों को बता के जाओ। तो हमने बोला कि ऐसे ऐसे बात है दीदी, हम लोग सब भाई योग कर रहे थे बाबा के पहाड़ी पर और सबको संकल्प चला कि ये संतों की सेवा करनी चाहिए, तो कोई हाथ नहीं उठाया, मैंने हाथ उठाया, तो सबने कहा कि आप करिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं यज्ञ का जो भी जवाबदारी है सब काम करके खाना खा करके 12 बजे जाता हूँ और सेवा करके 2:30 बजे तक आ जाता हूँ, फिर शाम की अपनी सेवा करता हूँ। बोला कितना दिन से करता है, मुझे 10 दिन हो गया। तो दीदी पूछी कि अच्छा उन लोगों कितने से मिला, मुझे बहुतों से मिला है। तो पूछी कि क्या वो लोग क्या सेवा करते हैं, वो लोग का क्या विचार है, विचार है। हम बोला कि दीदी संस्था के लिए उनके बहुत खराब विचार है, नेगेटिव उनके मन में बैठा हुआ है, नेगेटिव बातें मेरे से करते हैं, संस्था के लिए बाबा के लिए मामा के लिए बहुत गलत बातें करते हैं। तो दीदी बोली कि आप क्या जवाब देते हो। तो हम बोला कि दीदी हम जाते हैं तो वो जाते मेरे को देख करके भड़क जाते हैं और गलत गलत बातें सुनाते हैं, गुस्से में आकर के बहुत कुछ सुनाते हैं। मैं चुपचाप बाबा को याद करके सुनता रहता हूँ। जब वो शांत हो जाते हैं फिर मैं बोलता, तो मैं बोलता हूँ स्वामी जी आप कभी आश्रम में आए हैं। बोला कि मैं मार खाने आऊंगा। तो मैं हैरान हो जाता था कि स्वामी जी आप तो ऐसे बोल रहे जैसे कि आपके सामने घटना घटी है, अब तो नहीं लोग बाजार वाले आके सुना के जाते हैं तो मैं सुन नहीं हुई बात सुन रहे। आप इतने बड़े संत हो महात्मा हो और दूसरों की सुनी सुनाई बात पर आप विश्वास करते हो, ये अच्छी बात है, और विश्वास ही नहीं करते हो बल्कि आप अपने मुख से ऐसे गंदी गंदी बातें करते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो चुप हो जाते थे। फिर हम पूछते थे आप चलेंगे, तो वो लोग कहते थे कि हाँ आपके साथ चलेंगे बाकी अकेले नहीं जाएंगे, मेरे को हिम्मत नहीं है, आप लोग पकड़ कर मारोगे तो मैं मार खाने के लिए नहीं जाऊंगा। तो दीदी ने कहा कि आप सबको बुला सकते हो। हमने लगा हाँ दीदी। तो दीदी ने ये राखी का दिन होता है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन के दिन दीदी टाइम फिक्स किया और बोला कि उन सभी को बुलाइए कि आपको आश्रम दिखाएंगे, दीदी दादी से मिलाएंगे, ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे, आपको गिफ्ट देंगे। वो सब सुन करके खुश हो गए। 150 सन्यासी को लिया था, 150 सन्यासी को। हाँ, और मेडिटेशन हॉल है, आप लोग जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेडिटेशन हॉल में दादी दीदी उनको भोजन का ब्रह्मा भोजन अच्छी तरह से कराया और करा करके दादी दीदी मिली, उनको कंबल सौगात दिया, मुझे अच्छी तरह याद है, और सब कुछ दिया। इनके एक सिस्टम है कि आप कुछ भी खिला दीजिए, कुछ भी सौगात दीजिए, लेकिन दांत घिसाई माने जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा, बोलेंगे कि हमारा अपमान हुआ, अपमान हुआ। तो वो अब संस्था में हम लोग पैसा किसी को देते नहीं है क्योंकि हम पैसा यज्ञ का दें और जाके के बीड़ी पी ले शराब पी ले तो हमारा पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा, क्योंकि 2 पैसा कोई यज्ञ में दे के गया है और वो पैसा हम किसी को दें शराब पी ले तो कितना बड़ा पाप होगा, पाप चढ़ेगा, हम किसी को देते नहीं है। तो दादी को संकल्प चला भी क्या करना है। तो एक भाई आया था जैसे आप आए हैं वैसे, एक बिजनेसमैन आया था, उनका नाम था गोवर्धन भाई, और महाराष्ट्र के थे, केले का उनका बिजनेस बहुत बड़ा खेती था और बिजनेस था, बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने कहा कि दादी आप मुझे छुट्टी दो, मेरे पास पैसा है, हम देंगे। तो वो उनको बैठा दिया और वो सबको कैश देते गए, सब खुश जयकार मनाते हुए गए और तब से संस्था के नजदीक आ गए।
और हाँ उनके पास कोई भी मेहमान होता था तो उन लोग लेकर के आते, लेकर भेजते नहीं थे, चलो हम ले चलते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम दिखाते हैं। इतना परिवर्तन हो गया, जितनी भ्रांतियां थी वो सारी भ्रांतियां निकल, क्योंकि आंखों आंखों देखा ना, और हम सब आश्रम दिखाया, ए टू जेड सब कुछ दिखाया, तो देखा खाया पिया दादी दीदी से मिला, व्यवहार देखा कि कितना प्यार देते हैं, कितना इनके पास रिस्पेक्ट है, तो वो लोग खुश हो गए। एक संत था हनुमान मंदिर, उसका नाम है हनुमान मंदिर। अच्छा, संत का नाम हनुमान? ना ना, आश्रम का नाम है हनुमान मंदिर। तो वो संत फलहारी फली खाता। अच्छा, फली खाता। हाँ, तो गौमुख के पास ही, गौमुख वहां से नीचे उतरते हैं। अच्छा, गौमुख। तो गौमुख पर तो उसने 180 एकड़ जमीन अभी भी है, तो उसने बोला कि हम आपके नाम से वील कर देते हैं। तो हम चार भाई गए, हमको तो खुशी हुई कि 180 एकड़ जमीन, थोड़े से यानी चौक भी, चौके भी संस्था को मिल रहा है, तो हम दादी को पूछा नहीं। अच्छा। और उसको व्हील करा लिया। अच्छा, दादी से बिना बात किया, बात किया भाई, अच्छी चीज। हम खुशी इतनी दे रहे, खुशी था, और वो लोग खुशी से व्हील कर दिया। दादी को व्हील का पेपर दिखाया तो दादी नाराज हो गई, बोली कि संतों का जमीन हम नहीं लेते हैं, मेरा नियम नहीं है, 180 एकड़ है तो क्या है, हमको नहीं चाहिए, अभी कभी लौटाओ। दादी जी ने वो, अच्छा, जो वो कॉन्ट्रैक्ट था वो, हाँ, जो बड़ी दादी हमारी प्रकाश मणि, वो कोई भी ऐसे वैसे उनको धन नहीं चाहिए, सिंप्लिसिटी है वो चाहिए, बाकी हमको धन नहीं चाहिए। फिर हम जाकर के लौटाए तो रोने लगा, बोला कि हम तो, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें किसी भी कोई भी किसी का ये नहीं है, हमने अपने मेहनत से बनाया है। तो हमने बोला कि दादी से फोन से बात कर लो, तो उसका पास फोन था, तो फोन से संत के पास फोन, फोन था। क्या नाम था संत का? आपको ऐसे त्रिवेणी दास फलहारी, त्रिवेणी दास फलहारी। हाँ, ऐसे महान संत देखने को कहीं कहीं मिलते हैं। हाँ, कि जो एक सौ शरीर छोड़ दिए, 105 साल के थे, 105 साल के। तो दादी ने कहा कि स्वामी जी आपकी भावना श्रेष्ठ है, लेकिन हमारा ये नहीं है, ये बच्चे आपकी सेवा करेंगे, रात को 12 बजे आपको कोई तकलीफ होगी तो ये सेवा करेंगे, लेकिन हम आपका धन नहीं लेंगे। दादी ने लौटा दिया, तो वो बेचारा बहुत ये हो गया कि हम अच्छे एक संस्था से जुड़ रहे थे। दादी बोली कि आप भी अभी भी जुड़े हुए हो, आपका संकल्प है तो हम आपके साथ हैं, रात को 12 बजे भी कुछ वो पोज कर दो बोरी।